तो बोलेंगे भाई दो काम बोलते हैं, ड्राइवरी का काम में जाना है या हेल्परी का काम दिला दो यार, कोई पैकिंग का हेल्परी का। तो अगर आपको हेल्परी का काम चाहिए पैकिंग का, तो दो तीन एक ऑफिस है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर आप सऊदी अरब में हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ सवाल लिए हैं मैंने, उनके आपको जवाब दूंगा। तो क्या क्या सवाल है? पहला सवाल किसी ने पूछा था, सर ट्रांसफ़र होने पे वीज़ा भी चेंज होता है, प्लीज़ बताएं। तो इन भाई का सवाल है, जो ट्रांसफ़र यानी कफाला, कफाला क्या होता है? ट्रांसफ़र जो होता है, जैसे मान लो मैं कोई रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मुझे ट्रांसफ़र लेना है कहीं और पर, तो उसके साथ साथ मैं दूसरा काम कर सकता हूँ ट्रांसफ़र होने के बाद, या वही काम करूँगा? तो मैं जैसे रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मैं कहीं ट्रांसफ़र लूँगा तो सिर्फ मेरा काम रेस्टोरेंट में ही लगेगा, दूसरे काम में नहीं लगेगा, दूसरे प्रोफेशन में नहीं जाऊँगा मैं। ड्राइविंग का हो गया या और कोई सा फील्ड हो गया, उसमें नहीं जा सकता अगर ट्रांसफ़र लेता हूँ। जिस काम जो काम मैं करता हूँ उसी काम में मेरा ट्रांसफ़र होगा, दूसरे में नहीं होगा। भाई रमज़ान में कितने घंटे काम रहेगा रेस्टोरेंट में? इन भाई का सवाल है, जब अभी रमज़ान आने वाले हैं और कितने घंटे काम रहेगा? देखो यहाँ पर वो शाम को खुलते हैं, जैसे इफ्तार होती है उससे पहले खुलते हैं, 1 घंटा पहले, ताकि जो क्योंकि लोग बहुत सारे आते हैं और खाना लेके जाते हैं इफ्तारी के लिए, तो वो 1 घंटे पहले खुलते हैं। उसके बाद जब इफ्तारी होती है तो सारे होटल बंद हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, मगरिब से इशा का जो टाइम होता है सब बंद रहता है, सारा सब सारी दुकानें मार्केट सब कुछ मॉल सब बंद रहेगा। इशा की नमाज़ के बाद, तरावी होने के बाद मॉल खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, सारी चीज़ खुलेगी, होटल्स खुलेंगे इशा की नमाज़ के बाद। उसके बाद कब बंद होंगे? यानी जब रोज़ा रखते हैं सहरी में, सहरी में सहरी से पहले सारी चीज़ें बंद हो जाती है, होटल रेस्टोरेंट। मगरिब से पहले होटल खुलते हैं, रेस्टोरेंट और सहरी से पहले बंद हो जाते हैं। उसके बाद नहीं खुलते क्योंकि सब रोज़ा रखते हैं, तो कौन खोलेगा, क्या फ़ायदा? अगला सवाल, भाई हमको ये बताओ, अगर हुरूब लगा हो तो वीज़ा लगेगा कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। जब आपका हुरूब लग गया तो आपका वीज़ा कैसे लग सकता है? यानी आप किसी के पास काम करते हैं, उसके पास से आप भाग गए, उसके बाद वो आपकी कंप्लेंट करेगा पुलिस स्टेशन में कि ये बंदा मेरा पास काम करता था, यहाँ से कहीं और चला गया। तो फिर अगर आप जैसे कहीं वीज़ा वीज़ा तो लगेगी नहीं, और आप बैन और हो जाओगे, आप मुजरिम की तरह हो जाओगे कि भाई किसी के पास से भाग गया, और कुछ भी केस कर सकता है कि ये बंदा मेरे पास से पैसे लेके भागा, तो कैसे आपकी वीज़ा नहीं लग सकती? अगर आपका एक बार हुरूब लग गया तो आपकी वीज़ा नहीं लग सकती 3 साल के लिए। अगर आप पकड़े गए तो 3 साल के लिए बैन और हो जाओगे, काम नहीं कर सकते 3 साल तक, तो वीज़ा नहीं लग सकती। वीज़ा मिलेगा क्या हेल्पर पैकेज में? यार ये सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं और मैंने काफ़ी बंदों को देखा है। हाँ काम क्या करते हैं, हाँ घर पे रहते हैं तो चलो भाई ठलवागिरी करेंगे, और जब काम करने का टाइम आएगा तो बोलेंगे भाई दो काम बोलते हैं, ड्राइवरी का काम में जाना है या हेल्परी का काम दिला दो यार, कोई पैकिंग का हेल्परी का। तो अगर आपको हेल्परी का काम चाहिए पैकिंग का, ऑफिस है आर के इंटरनेशनल ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे बहुत सारी जॉब आती है हेल्पर की, तो आप वहाँ ज़रूर देखो, काम हो जाएगा। अगला सवाल, इनका जो पासपोर्ट है 5 तारीख 3 महीने 2023 को इनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, यानी घर जाके सही रहेगा इंडिया में सही रहेगा या सऊदी में? अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, कभी भी आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है तो यहीं से कराना, सऊदी अरब से। इंडिया में होता है लेकिन टाइम बहुत लगता है, कभी भी आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो तो सऊदी से ही रिन्यूअल करा कर जाना तो अच्छा रहता है। भाई का सवाल है, वो एक फॉर्म होता है जैसे कुछ परेशानी होती है या कोई परेशान करता है, कंपनी परेशान करती है और उसको घर जाना होता है, तो एम्बेसी से एक फॉर्म भरना होता है पहले, उस फॉर्म को भर के ही यानी वो चले जाता है, उसका काम हो जाता है। तो एक तो एम्बेसी की वेबसाइट आती है, आप वहाँ से ही भर सकते हैं और आप एम्बेसी जाके भी भर सकते हैं, पर अगर आप एम्बेसी जाएंगे तो बेहतर है क्योंकि वहाँ पे आपका काम जल्दी हो जाता है और ऑनलाइन भी हो जाता है, बहुत आसान है, लेकिन एम्बेसी से ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो बेहतर है। अगला सवाल, क्रूज लगने के बाद कितने दिन के बाद जा सकते हैं? इन भाई का सवाल है, जैसे इनका
इनको घर जाना है इंडिया, और इनका जो काम था, जो जो भी जिसके साथ काम करते थे, एक पेपर दे दिया, एक सीट पेपर होता है वो दे दिया। जो पेपर होता है उस पेपर की 3 महीने की वैलिडिटी होती है, आप 3 महीने में कभी भी जा सकते हैं, चाहे आप एक पहले महीने में चले जाए, दूसरे में चले जाए, तीसरे महीने में चले जाए, 3 महीने का आपके पास टाइम होता है, 3 महीने के अंदर आप कभी भी जा सकते हैं। ये टाइम इसलिए मिलता है क्योंकि एक तो टिकट का बंदोबस्त करना होता है, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो टिकट का बंदोबस्त करेगा, इसलिए टाइम दिया जाता है। और कुछ किसी को शॉपिंग करनी होती है, सामान ख़रीदना होता है, तो ये टाइम इसलिए मिलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस टाइम में काम कर लेते हैं, दो महीने बाहर काम कर लिया और पैसे जमा किए और टिकट किया, चले गए। तो सबके अपने अपने अलग अलग फंडे हैं। आप जा सकते हैं, आप 3 महीने का टाइम है, क्रूज लगा आपका, क्रूज निहाई लग गया, एक्सीट लग गया, तो आप 3 महीने में कभी भी जा सकते हैं, 3 महीने का टाइम होता है। सो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब दिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, या कुछ भी आपके फ़ायदे का सवाल हो जिसका आपको जवाब चाहिए था, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना जिसको सऊदी आना है। और सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, या एक वीडियो बनाकर उस पर आपको बता दूंगा। बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।